वेरी गुड उषा, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। कितने लोगों ने ये मिस किया कि नीचे जब हम ओपिनियन देते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स जो SECP कहता है, और वहाँ पे हम कहते हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन कैप्ट बाय द कंपनी, तो वो भी तो ओपिनियन वहाँ पे मॉडिफाई होगा कि वहाँ पे ये लिखूंगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन कैप्ट या नो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे। बात क्लियर? तो यहाँ पर दो ओपिनियन इम्पैक्ट होंगे, एक मेन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर। वेरी गुड यार, जैनब लिखती है ड्यू टू फायर ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बैकअप रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स ट्रेड डेटर्स एंड स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड द ऑडिटर इज अनेबल टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्कोप लिमिटेशन। अच्छा जैनब, ये नहीं लिखना दिस इंडिकेट्स टू बी द स्कोप लिमिटेशन, इंडिकेशन नहीं है, कन्फर्म है कि दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूट अ स्कोप लिमिटेशन और परवेजिव नेचर। अब देखो आपने फिर वही गलती की, आपने परवेजिव नेचर तो लिख दिया बट आपने ये नहीं बताया कि वाई यू कंसिडर दिस टू बी परवेजिव। तो दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर, द ऑर्डर विल गिव अ डिस्क्लेमर एंड शेल नॉट गिव एनी ओपिनियन। अच्छा देखो, जब आप डिस्क्लेमर लिख रहे हो ना, तो ये नहीं लिखो कि विल नॉट गिव एनी ओपिनियन, आप सिंपल बोल देंगे द ऑर्डर शेल डिस्क्लेम एन ओपिनियन या शेल गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, दैट्स इट, खत्म। एज द ऑडिट प्रोसीजर कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू द फायर, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्कोप लिमिटेशन, देयरफॉर बीइंग परवेसिव ऑडिटर शेल एक्सप्रेस। अच्छा अगेन मूसा, यू नीड टू डिफाइन व्हाई यू आर कंसिडरिंग दिस टू बी परवेसिव। नहीं वो दूसरा वाला है ना, वो तो नीचे जो आता है, जुए गेंस द फायर डिस्ट्रॉयड ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ड्यू टू द फायर beyond the entity's control, as a result of which sufficient appropriate audit evidence cannot be obtained, therefore the auditor will express a disclaimer of opinion as this scope limitation is pervasive in nature because it is not confined to a single element. क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला, तो क्या ये परवेजिव है या मटीरियल है? परवेजिव है। वेरी गुड जानी, आ जाओ जी यहाँ पर। हमने कहा दिस इज द स्कोप लिमिटेशन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, ये भी एक एग्जाम्पल में बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको ये सिखाई थी डिस्क्लेमर वाली चीज़ ये सारी। ऑडिटर शेल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इफेक्ट इज परवेसिव एंड इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि आपसे कोई पूछे भाई आप क्यों उसको परवेसिव कह रहे हो, तो आप बोलोगे कि भाई ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पर कन्फाइंड नहीं है। आगे ऑडिटर शेल ऑल्सो स्टेट इन दिस रिपोर्ट दैट द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन कैप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, यानी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्होंने रखे नहीं थे, ये ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दे रहे हो या रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स पे, अदर रेगुलेटरी मैटर्स पे, तो वो हिस्सा भी इम्पैक्ट होगा, ये बात बस आपने याद रखनी है। सही है जी। खैर अब हमने कहा कि सर पार्ट टू पे आ जाए, हाँ भाई ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है इसके, और बोल रहा है जब मैंने देखा कि इंटरनल कंट्रोल वीक है तो इस चीज को मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया, यानी मैंने काम किया होगा ज्यादा, हमने तो रिस्क असेसमेंट में प्रॉपर मैपिंग की है तुम्हारे साथ कि हमने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली टू आइडेंटिफाई कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। जब हमने देख लिया मसला यहाँ यहाँ हो सकता है, वहां पर कंट्रोल्स वीक थे तो वहां पर मैंने काम किया होगा, क्योंकि मेरी नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर इंक्रीज हो गए होंगे, तो वो सिंपल कह रहा है मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया था। क्या इसका इम्पैक्ट कोई रिपोर्ट के ऊपर है या हम कंट्रोल्स पे ओपिनियन नहीं देते? तो आप बोलेंगे भाई दिस इज अ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल एंड वी डू नॉट गिव एनी ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल, तो दिस डज नॉट इफेक्ट माई ऑडिट रिपोर्ट, इसका ऑडिट रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट। अच्छा अगर मैं बोलूँ क्या इसका ऑडिट प्रोसीजर्स पर इफेक्ट आएगा? यस आएगा, ऑडिट प्रोसीजर कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो सवाल को केयरफुली रीड करना,
वो अगर कहता है इंटरनल कंट्रोल वीक है, देन व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर? आप बोलेंगे वी विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. बात क्लियर है? नहीं, इंटरनल कंट्रोल वीक है. लेट से मैं कहता हूं कि मैंने कैश पे कोई कंट्रोल नहीं लगाए हुए, तो फिर ऐसी बात है, इसका तो मतलब ये नहीं कि लाजमी चोरी होती होगी. मैं काम वहां पे चेकिंग ज्यादा करूंगा, पहले 10 वाउचर चेक करता, अब 100 करूंगा. सिंपल ये कहानी है. सही है जी. खैर, ये भी डन हो गया. अब क्योंकि सवालों की ये हमने परंपरा शुरू की है.